राज्य विरासत बचाओ सम्मेलन का आयोजन आज राजधानी के बिरला सभागार में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में 15 प्रमुख विपक्षी दलों के राजनेता हिस्सा ले रहे हैं। राज्यसभा सांसद शरद यादव साझा विरासत बचाओ अभियान के संयोजक हैं। सम्मेलन के जरिए पूरे देश में विपक्ष को एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करेंगे, साथ ही वर्ष 2018-19 की राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर जूड़ी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, सीताराम येचुरी, जयंत चौधरी, बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और साझा विरासत का मकसद हिंदुस्तान के किसान और मजदूर हैं, हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी हैं, नौजवान हैं, हिंदुस्तान के व्यापारी हैं। आज बड़े विकट दौर से गुजर रहा है। इन सारे मसाइल का, मसलों का समाधान भी हो सकता है जब तक हिंदुस्तान का, हमारी साझा विरासत का जो संविधान है उसका जो प्रियम्बल है वो साझा विरासत का है। हमारा आज मुल्क है, उसमें भाषा है, क्षेत्र है, धर्म है, जाति है, कई सेक्ट है। दुनिया में जितने भी धर्म है, दो धर्म को छोड़कर के सारे धर्म यहीं से आए हैं।